गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लो बजट वाटरप्रूफ मेकअप। यह मेकअप बहुत सस्ता और टिकाऊ है, आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको यह जितना देखने में हार्ड लग रहा है यह उतना ही इजी है। हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैंने यह मेकअप लैक्मी का जो फाउंडेशन आता है उसी से मैंने किया है। लैक्मी का यह फाउंडेशन 120 रुपये में आता है, उसी से मैंने यह मेकअप किया है। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है तो आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, तो आप भी अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है तो आप उसे पहले अप्लाई, मेकअप करने से पहले आप अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से उसे अप्लाई कर लें। मेरे पास निविया का मॉइस्चराइज़र था, मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है एज ए प्राइमर। यह मेकअप उनके लिए है जिनके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है। ती है फाउंडेशन की, तो यह लैक्मी का फाउंडेशन है जो कि 120 या 130 रुपये में आ जाता है। आसानी से आप इसे परचेस कर सकते हो। इसी से मैं आज का मेकअप करूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया और इसे मैंने अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आई के क्रीज एरिया पे अप्लाई कर लिया है। आप चाहो तो अपने फिंगर की हेल्प से इसी तरह आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास फ्लैट ब्रश अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आप चाहो तो अपने फिंगर की हेल्प से या आप चाहो तो अपने फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह फाउंडेशन को एज ए कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इसे अपने आईब्रो के ऊपर अच्छे से लगाऊंगी और फिर इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप 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 करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि जो है हमारा आई मेकअप उभर कर आए। अगर मैं इस पर आई शेडो अप्लाई करूंगी तो हमारा जो आई मेकअप है उभर के आया। अब मैं इसे लैक्मी के कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी डैप 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 करके, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आपके पास कंसीलर अवेलेबल नहीं है तो आप फाउंडेशन को भी एज ए कंसीलर अप्लाई कर सकते हो इस प्रोसेस। तो मैंने अपने दोनों आई को अच्छे से सेट कर लिया है, तो अब बारी आती है आई मेकअप की। यह कलर स्टूडियो की आई शेडो पैलेट है। मेरे पास ज़्यादा आई शेडो पैलेट नहीं है, मेरे पास बहुत कम प्रोडक्ट से ही अपना मेकअप करती हूँ। आप देख सकते हो ये जो पैलेट काफ़ी अच्छी है, इसमें मल्टी कलर की आई शेडो अवेलेबल है और यह काफ़ी पिगमेंटेड भी है। तो ऑरेंज कलर को सबसे पहले मैं अपने क्रीज लाइन पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप अपने फिंगर की हेल्प से भी इसी तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, बट ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तब अब बारी आती है काजल की। मैंने अब काजल लिया है जो कि मेबलिन का है। अगर आपके पास जो भी काजल अवेलेबल है, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो किसी अच्छे ब्रांड की हो, आप उसी की हेल्प से अपना मेकअप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने काजल को अपने आईलिड्स पर कुछ इस तरीके से अप्लाई किया है। आप चाहो तो आप जेल काजल भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास पेन काजल है तो आप भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हो। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरे आई के आईलिड्स पर काजल को इसी तरह से स्मज करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास आई शेडो अवेलेबल हो तभी हम अपना मेकअप करेंगे। आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है आप उसी से भी अपना आई मेकअप कर सकते हो। देन गाइज, मैं सेम आई शेडो पैलेट की हेल्प से स्काई ब्लू कलर को अपने आई के लिड्स लाइन पर फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास आई ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकती हो, जैसा कि आप देख सकते हो। हम आई ब्रश लेना भूल जाते हैं या हमारे पास आई ब्रश अवेलेबल नहीं होता है तो आप फिंगर की हेल्प से भी आई मेकअप कर सकते हो। अब मैं सेम प्रोसेस से अपने दूसरे आई के लिड्स लाइन पर आई शेडो को इस तरीके से अप्लाई करूंगी। गाइज, यह आई शेडो पैलेट अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर 200 से 300 में आसानी से मिल जाएगा।
इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। यह ऑल इन वन आई शेडो पैलेट है और साथ ही साथ आपको इसमें मल्टी कलर अवेलेबल हो जाते हैं। मैंने लैक्मे का फाउंडेशन लिया है, जिसे मैं सबसे पहले अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने हाथ पे लूँगी। इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी। आप देख सकते हो, ऐसे ही आपको भी लगाना है। अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो आप फाउंडेशन में उसे भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका मेकअप ग्लॉसी मेकअप बनेगा और काफ़ी अच्छा मेकअप लगेगा, ग्लो भी आएगा। अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास भी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐसे ही कर लिया। तो मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप 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 करके अच्छे से ब्लेंड कर। ब्लेंडर को यूज करते समय आपने हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो आपको इससे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। मैंने इस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मेंशन कर दूंगी। हमें ब्लेंडिंग पर फोकस करना चाहिए, न कि प्रोडक्ट के ब्रांड पर। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे गाइस, हमारा मेकअप उतना ही देर तक स्टे करेगा और उभर कर आएगा। देन गाइस, अब बारी आती है ब्लशर की। तो मैं पिंक कलर को एज ए ब्लशर चिक्स के हाइयर पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है और सेम दूसरे चिक्स पर भी इसी तरह से अप्लाई करूँगी। थोड़ा नोज़ पे करूँगी और थोड़ा लोअर जो पर भी करूँगी, ताकि हमारा मेकअप जो है नेचुरल लगे। अगर आपके पास ब्लशर नहीं है तो आप आई शेडो पैलेट से पिंक या रेड कलर को एज ए ब्लशर भी यूज कर सकते हैं। देन गाइस, अब बारी आती है कंटूरिंग की। मेरे पास कंटूर स्टिक नहीं है तो मैं आईब्रो पैलेट से सूल कलर को एज ए कंटूर यूज करूँगी, जिससे हमारा फेस शेप में लगे, जैसा कि आप देख सकते हो डिफरेंस। गाइस, बारी आती है हाइलाइटर की, जिसे मैं अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड, क्यूपिड बोन, नोज़ के हायर ब्रिज, चीन एंड चीक्स के हायर पॉइंट्स पर लगाऊंगी। यह काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है और यह स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, जो आपके मेकअप को और भी ज़्यादा शाइनी बना देता है। अब बारी आती है लाइनर की। आपके पास जो लाइनर अवेलेबल है, आप वो लाइनर यूज कर सकती हैं। मेरे पास पेंसिल लाइनर है, आप चाहे तो जेल लाइनर या लिक्विड लाइनर यूज कर सकती हो। यू कैन सी गाइज, मैंने अच्छे से लाइनर लगा लिया। जैसे मैंने एक आइज़ पर लगाया, उसी तरह मैंने सेम आइज़ पर भी लगाऊंगी। किसी भी ब्रांड का आईलाइनर अवेलेबल है तो आप वही यूज कर सकती हैं। अब बारी आती है लिपस्टिक की, जो कि मेहरून कलर की है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लिपस्टिक ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि लिपस्टिक हाई बजट का ही होना चाहिए, आप अपने अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अगर आपका लिपस्टिक लगाने में दिक्कत हो तो आप पहले आउटलाइनर यूज कर सकती हैं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी लिपस्टिक लगा सकती हैं। अगर आपको पिंक पसंद है तो आप पिंक, और अगर आपको रेड पसंद है तो आप रेड लिपस्टिक या आप न्यूड लिपस्टिक का भी यूज कर सकती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। देन गाइज, अब बारी आती है मेकअप फिक्सर की। यह हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है तथा मेकअप के को ज़्यादा घंटों तक टिका के रखता है। अगर आपको वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए तो आप अपने मेकअप में फिक्सर ज़रूर शामिल करें। दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। मैं ओपन हेयर स्टाइल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही हेयर बन कर लिया था। आप अपनी इच्छा के अनुसार हेयर स्टाइल कर सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी कि मैं अपने फेस पर पानी डाल रही हूं। एज यू कैन सी गाइज, मेरा मेकअप बिल्कुल भी हट नहीं रहा है। आप भी इस ट्रिक से मेकअप करना, और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपका मेकअप कितने देर तक टिका रहा। यह देखिए, मैंने पानी डालकर दिखाया, मेरा मेकअप थोड़ा सा भी नहीं हटा और ना ही लिपस्टिक हटा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ब्लेंडिंग एंड बेस मेकअप अच्छी तरीके से करोगे तो आपका मेकअप ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। आई होप यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। बाय बाय एंड स्टे सेफ।